फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बटर पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बटर पनीर बनाने के लिए हमने पैन ले लिया है, इसमें हम बटर डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें कटी हुई अदरक डाल देते हैं। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं, इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसमें हम 4 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़े से कटे हुए हमने इसमें कैश्यू डाल दिए। इसे मिक्स कर देते हैं। और इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसे रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब ये थोड़े से पक चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे हम मिक्सर में डाल लेते हैं और ग्राइंड कर लेंगे। अब ये मिक्सचर को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम पैन में बटर डाल देते हैं। बटर पिघल चुका है, अब हम इसमें मिक्सचर डाल देते हैं जो हमने ग्राइंड कर लिया था। सारा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब ये मिक्सचर को हम अच्छे से पका लेंगे। इसका एकदम कच्चापन चला जाना चाहिए, तब तक हमें इसे पकाना है। ये मिक्सचर अब कढ़ाई छोड़ने लग गया है। ये देखिए, इसमें से बटर भी निकलना स्टार्ट हो गया है। इसे हमें थोड़ा सा पकाना है और अभी मसाला अच्छे से पक चुका है। ये कढ़ाई को भी एकदम छोड़ने लग गया है। अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे। इसमें हम अमूल क्रीम डालेंगे। आप चाहे तो क्रीम की जगह मलाई भी डाल सकते हैं। इसमें हमने थोड़ी सी क्रीम डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसमें क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये हमारे मिक्सचर वाला थोड़ा सा बचा था, इसमें हमने पानी डाल दिया है। इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें इसे ग्रेवी वाला बनाना है ना। आप इसे टेक्सचर के अकॉर्डिंग पानी देख लीजिए, उतना ही डालिएगा। मिक्सचर में वो उबाल आना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। ये हमने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकने के लिए रख देते हैं। बटर पनीर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। अब ये बनकर एकदम तैयार हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसे हमने बाउल में निकाल दिया है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। अब बटर पनीर सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।